हेलो एवरीवन क्या आप लोगों को भी कंफ्यूजन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बैंगल एंड ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंसेस है आज मैं आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ फर्स्ट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वो कंट्रोल करती है बैगॉल को और एक पोस्ट क्रिएट की जाती है विच इज अ गवर्नर ऑफ बैंगल जो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर सम टाइम एक एक्ट पास होता है विच इज अ रेगुलेटिंग एक्ट सेवेंटी जिसके बाद बंगाल के गवर्नर को कन्वर्ट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो होते हैं आफ्टर सम टाइम एक और एक्ट पास होता है चार्टर एक्ट 1833 एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि होते हैं बिलियम बैंटेक एंड एटीन के रिवॉल्व के बाद हमारी कंट्री में एक एक्ट पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है वाई ऑफ इंडिया में और पहले वाई होते हैं लॉर्ड कैनिंग मोर अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट ऑनली ऑन पर्च ऑफ क्लासेस